राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की अहम बैठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के ट्वीट से बड़ी हलचल। यशवंत सिन्हा हो सकते हैं विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर हलचल तेज है। चर्चाओं की माने तो विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम को आगे किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले यशवंत सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी उसके लिए मैं ममता बनर्जी का आभारी हूँ। अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटाकर विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि पार्टी मेरे इस कदम को स्वीकार करेगी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों की एकजुटता देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिनों दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के नेताओं से साझा उम्मीदवार को लेकर चर्चा की थी। भारत के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद 15 जून से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून को, उसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होंगे और 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।